नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 6, पेज नंबर है 94। और अगर आप नीचे जाओगे पेज पे, जो लास्ट पैराग्राफ है, नंबर 9 पैराग्राफ, इस पेज पे लास्ट वाला, वहाँ से चालू करेंगे। व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन। तो केमिकल रिएक्शंस ये तो होते हैं जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे अगर दो चीज़ों को साथ में जोड़ो या बहुत चीज़ों को साथ में जोड़ो, जैसे अगर हाइड्रोजन को जोड़ो क्लोरीन के साथ, बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का लो, वो होता है पानी, H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। ये जो हैं ये केमिकल रिएक्शंस हैं या रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स, जब केमिकल रिएक्शन में कार्बन होता है एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी होता है फॉर एनर्जी जनरेशन, वो ऊर्जा बनाने के लिए, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स, उसमें जो है बाय प्रोडक्ट्स या उपोदयक अलग अलग चीज़ें बनती हैं, दैट आर नॉट ओनली यूजलेस, जो फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं है, यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी, सेल्स के लिए अंदर ये यूजलेस हैं, फ़ायदेमंद नहीं है, बट कुड इवन बी हार्मफुल, पर हानिकारक भी हो सकती हैं, हार्मफुल। दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स, ये जो कचरा है वेस्ट, अच्छा, बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, वो बॉडी से निकाल देनी होती हैं, एंड डिस्कार्डेड, एंड एकदम बाहर माने फेंक दिए जाएं, डिस्कार्डेड फेंक दिए जाएं आउटसाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। उसे जब बाहर फेंक दिए जाते हैं उसे एक्सक्रीशन बोलते हैं, या उत्सर्जन, बाहर फेंकना। अगेन If the basic rules, फिर से again, if the basic rules, जो basic नियम है body के, design in multicellular organisms are followed, जो multicellular माने बहुत सारे cells होते हैं, जैसे हम हैं जिसमें करोड़ों cells हैं, अगर वो नियम follow होते हैं, a specialized tissue for excretion will be developed, एक special organ बाहर निकालने के लिए body से वो होगा, ठीक है, developed, विकसित होगा, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो परिवहन का सिस्टम है बॉडी में, विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट, कचरा जो है बॉडी से निकालने के लिए उसे ले जाना होगा, परिवहन करना होगा उसे, अवे फ्रॉम सेल्स, सेल्स से अलग, टू दिस एक्सक्रिटरी टिश्यू, ये स्पेशलाइज टिश्यू के पास, जो बाहर से बॉडी से निकालेगा। तो सारे सेल्स से जो खराब चीज़ें हैं, जो उन्हें नहीं चाहिए, जो हानिकारक हैं, सारे सेल्स निकालते हैं और वो परिवहन से ले जाते हैं एक्सक्रीशन टिश्यू के पास, जो बॉडी से निकालना होता है, वो टिश्यू वो करता है। लेट अस कंसिडर दीज वेरियस प्रोसेसेस, हम ये इसके बारे में बात करेंगे, ये जो प्रोसेसेस हैं जो होते हैं, सो इसेंशियल टू मेंटेन लाइफ, ये बहुत ज़रूरी होते हैं जीवन मेंटेन करने के लिए, वन बाय वन। अच्छा, अब क्वेश्चंस हैं, व्हाई इज डिफ्यूजन अनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। अच्छा, इन्होंने बताया था जब एक सेल होता है, जैसे मैं अमीबा के बारे में बात कर रही थी, सिंगल सेल जो है वो अपने वातावरण के कांटेक्ट में होता है ना, तो जो उन्हें उसे अंदर लेना है वो ले सकता है, और जो बाहर निकालना है वो निकाल सकता है। पर जब मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे हम हैं जिसमें करोड़ों सेल्स हैं, तो हमारा हर सेल जो है वातावरण बाहर से तो कॉन्टैक्ट नहीं रख सकता, सो हमारा हर सेल बाहर से भोजन नहीं ले सकता, और जो खराब हानिकारक चीजें हैं अंदर वो निकाल नहीं सकता, ठीक है। तो डिफ्यूजन ये होता है जब एक सेल जो है जो अंदर लेना है उसे ले सके, और जो कचरा बाहर निकालना है वो निकाल सके वातावरण में। तो इसलिए डिफ्यूजन जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जैसे हम हैं के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा हर सेल वातावरण के कॉन्टैक्ट में नहीं है। What criteria do we use to decide whether something is alive? ठीक है,
तो हम क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं डिसाइड करने के लिए कि कुछ जिंदा है या नहीं? तो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट, इनविजिबल माने आँखों से नहीं दिखता, अनुवन या आणविक जो हिल मूवमेंट्स हैं मॉलिक्यूल्स के, जो अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है जो हमारी आँखों को नहीं दिखती, हाँ वो जो है हम यूज़ करते हैं डिसाइड करने के लिए कि कुछ चीज़ जीवित है या नहीं। जैसे प्लांट्स में आप देखते हो जब प्लांट्स बढ़ते हैं या वो खाना लेते हैं, है ना, जमीन से, वो आपको दिखते तो हैं नहीं पर फिर भी वो जिंदा हैं क्योंकि उनके जो अनुवन है या उनके जो आण्विक हैं अंदर वो हिल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वॉट आर आउटसाइड रॉ मटीरियल्स यूज बाय ऑर्गेनिज्म, बाहर क्या रॉ मटीरियल्स हैं जो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, जो कोई भी जीवित है, तो जैसे वो अमीबा है सिंगल सेल का, या हम हैं, या कोई जानवर है, या कोई पौधा है, तो कौन से रॉ मटीरियल्स हैं जो बाहर से वो यूज़ करते हैं? यूजली वो जो रॉ मटीरियल्स हैं जो बाहर से वो यूज़ करते हैं, अच्छा वो आंसर जो है पेज नंबर 94 पे है और आंसर नंबर 1, अच्छा पेज नंबर 94 पे मैं जरा जाती हूँ, आंसर नंबर 1 ओके, ये जो है न्यूट्रिशन, एडिशनल रॉ मटेरियल्स विल मी इफ द बॉडी ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल्स विल बी नीडेड फॉर आउटसाइड। तो ज़्यादातर जो भोजन होता है वो कार्बन बेस का होता है, उसमें कार्बन होता है वो होगा जो रॉ मटेरियल्स यूज करेंगे। ऑल्सो ऑक्सीजन चाहिए होता है हमें ब्रीदिंग के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, है ना, और ऑर्गेनिजम्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, पर बेसिकली जो है कार्बन है जो रॉ मटेरियल है जिसके लिए हम चाहिए ही चाहिए जीवन के लिए। What processes would you consider essential for maintaining life? ये क्या processes हैं जो हमें बिल्कुल चाहिए ही चाहिए life maintain करने के लिए? तो respiration, श्वासन, है ना, सांस लेना वो चाहिए, maintenance या एक स्थिति अंदर बनाना बॉडी में वो चाहिए, और एक्सक्रीशन कचरा निकालना वो चाहिए, और कचरे का परिवहन करना ट्रांसपोर्टेशन वो चाहिए। तो ठीक है, तो ये चार चीज़ें, श्वासन, एक स्थिति, कचरा निकालना और कचरा का परिवहन या बॉडी में कहीं भी परिवहन का सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चाहिए अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ बंद करती हूँ और फिर अगली बार स्टार्ट करेंगे 6.2 न्यूट्रिशन।